सब्सक्राइब कीजिए एमपी रेसिपीज को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उषा गंधरा एमपी रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे तिरंगी मठरी। मठरी वैसे तो चाय के साथ खाई जाती है, लेकिन तिरंगी मठरी आप नाश्ते में भी रख सकते हैं। अभी दीपावली के अवसर पर हम नाश्ता रखेंगे, तो उसमें ये मठरी सर्व कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं मठरी। मठरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता लगती है, तो आइए देखते हैं। ये मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है, आधा कप मैंने दही लिया है 50 ग्राम करीब, एक चम्मच अजवाइन लिया है, दो चम्मच चीनी ली है, आधा चम्मच मैंने नमक लिया है, दो चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, दो चम्मच मैंने घी लिया है और थोड़ा सा हरा कलर और ऑरेंज कलर लिया है और थोड़ा सा पानी लिया है। तो आइए मठरी बनाने के लिए डो तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम नमक डालेंगे, दही में हम चीनी को डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये चीनी इसमें मिक्स हो जाए। इसमें हम अजवाइन डालेंगे, ये मैदा मैंने छान के लिया है, इसको हम बाद में काम में लेंगे। इसको थोड़ा सा हम फेंट लेते हैं दही को ताकि चीनी इसमें आसानी से गल जाए, तो हमारा डो एकदम सॉफ्ट बनेगा। दही ज़्यादा खट्टा नहीं लेना चाहिए, दही एकदम ताज़ा होगा, और चीनी जितना मीठा लगे उस हिसाब से ले लीजिए। मैंने ये दो चम्मच चीनी ली है, इसमें हम एक बड़ा चम्मच गरम तेल का मौन भी डालेंगे। अभी ये मैंने दही को थोड़ा सा फेंट लिया है। ये हमने गरम तेल लिया है, ये इसमें डाल देंगे एकदम, बिल्कुल गरम तेल है, गरम तेल का मौन देंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसका अच्छा से डो बनाएंगे, सब चीज़ें मिक्स हो गई है। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, इसमें हमारी ये चीनी भी करीब करीब गल गई है। हम इसको सारा दही डाल देंगे, इसको डो बनाते हैं, देखते हैं अगर इसमें जितना नहीं बन पाएगा तो थोड़ा सा पानी का उपयोग करेंगे हम। ऊपर से पानी डाल के और डो बना सकते हैं। डो एकदम थोड़ा सख्त होना चाहिए ताकि इसकी रोटी बेलते वक्त नरम नहीं रहे, एकदम पूड़ी के आटे के समान होना चाहिए, ज़्यादा एकदम नरम नहीं होना चाहिए। देखिए थोड़ा सा पानी की ज़रूरत लग रही है इसमें, थोड़ा सा हाथ में लेके। देखिए दोस्तों, ये हमारा डो तैयार हो गया है, इस तरह से मैंने करा है इसको। अब इसको थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए ढक के रख देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये डो सेट हो गया है, अब हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। मैंने ये किचन का फ्लोर एकदम साफ किया है, हम इसी पे रख के रोटी बेलेंगे। ये हमने तीनों लोई को बराबर भागों में बांट लिया है,
आइए अब हम साठा बनाते हैं रोटी पे लगाने के लिए। ये हमने 2 चम्मच जो कॉर्नफ्लोर लिया है, ये घी इसी में डाल देंगे सारा और इसको अच्छा थोड़ा सा फेंट लेंगे घी और कॉर्नफ्लोर को। ये हमारा साठा तैयार हो गया है। तो अब 2 भागों में हम जो हमने कलर लिया था वो कलर मिलाएंगे। पहले हम ग्रीन कलर लेंगे, इसको थोड़ा सा लोई पे डालेंगे इस तरह से थोड़ा सा। ये देखिए, और इसी तरह से हम ऑरेंज कलर लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है कलर में, नहीं तो लोई नरम हो जाएगी, बेलने में फिर परेशानी आएगी। इसको हाथ से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे पूरी पूड़ी को, पूरे लोहे को इस तरह से ऑरेंज करना है। खाने वाला कलर ही यूज करें आप। ये हमारे कलर मिक्स हो गए हैं अच्छे से। अब इसकी हम बड़ी सी रोटी बनाते हैं। तब तक हम थोड़ा सा बिल्कुल मीडियम आंच पे तेल गरम रख देते हैं। अब हम इसको रोटी जैसा बेलेंगे। हम कोई सा भी कलर ले सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन बीच में वाइट ही लेना है। रोटी को ज़्यादा एकदम मोटी नहीं बेलना है, क्योंकि 3 रोटियां एक साथ लगेगी। देखिए बिल्कुल ज़्यादा एकदम भी। ये देखिए इतनी, देखिए इसकी थिकनेस इतनी मोटी लेनी है आपको। अब इस पे हम जो हमने ये साठा तैयार करा है घी में, ये इस पे बिल्कुल ऐसे ऐसे करके सब दूर फैलाएंगे, बिल्कुल इस तरह से सारी रोटी पे बिल्कुल अच्छे से लगना चाहिए। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हम किनोर पे पानी लगा लेंगे ताकि रोटी एक दूसरे को चिपक जाए। ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, नहीं तो रोल नहीं बनेगा। ये देखिए ये रोटी हमने अलग रख दी है। अब हम व्हाइट रोटी बनाएंगे। ये हमारी 3 रोटियां बेल ली है हमने और इस पे हमने साठा लगा लिया है। अब हम व्हाइट रखेंगे इस तरह से। व्हाइट रोटी बिल्कुल थोड़ा सा दबा के, ये देखिए
इस पर हम ये लगाएंगे साठा। इस पे भी हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। और अब ये ग्रीन रोटी ये रखी है हमने, इस पे देखिए थोड़े से हाथ से, हल्के हाथ से दबाएंगे। इस तरह से हमने तीनों रोटियों को रख लिया है। हम थोड़ा सा इसको बेलेंगे ताकि तीनों अच्छे से। अब इस पे हम साठा लगाएंगे। ये हमारा तीनों रोटी पे लग चुका है। अब हम इस रोटी का बिल्कुल पानी लगा के और रोल बनाएंगे। रोल बिल्कुल एकदम टाइट बनाना है। अब हम इन तीनों रोटियों का ऐसे धीरे धीरे कड़क कड़क बिल्कुल दबा के रोल बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल कड़क हाथ से थोड़ा सा पानी हम फिर लगाएंगे। ये पानी लगा के हमने बंद करा है इसको, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से हमने रोल बना दिया है। देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको थोड़ा सा लंबाई में कर देंगे हम, ताकि हमारी मटरी एक जैसी बने। अब हम इसके छोटे छोटे इस तरह से पीस काटेंगे। ये देखिए ये हमारी सारी स्लाइस काट के तैयार हो गई है। और हमने बिल्कुल गैस पे घी रख दिया है, बिल्कुल कम आंच पे रखा है। और थोड़ा सा घी होगा और हम इसको मटरी को बिल्कुल दबा के इस टाइप से, आप देखिए इस टाइप से थोड़ा थोड़ा सा दबा के और घी में फ्राई करेंगे। इस टाइप से सारी मटरियों को घी में फ्राई करेंगे। जो लोग घी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो ये ऑयल में भी तली जाती है, तो आप जिसमें चाहें वैसा कर सकते हैं, जो पसंद हो। इस टाइप से सारी मटरियाँ तो देखते हैं हमारा घी। यहाँ हमारा ये घी तैयार हो गया है, गर्म हो गया है। अब हम धीरे धीरे करके सारी मटरियाँ जितनी इसमें आ सकती है छोड़ेंगे। बिल्कुल कम आँच पे हमको इनको करना है। धीरे धीरे पलट के और बिल्कुल कम आँच पे देखिए इस तरह से
धीरे धीरे। बिल्कुल इस तरह से गरम, तेल को बिल्कुल भिगो। देखिए इसका धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आपकी मटरी तैयार होगी तो बिल्कुल कलर सुनहरी होता जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। और बिल्कुल कम आंच पे आप तले इसको, ये इस टाइप से पलटते रहिए ताकि दो ही तरफ से अच्छे से सीख सके। देखिए ये हमारी सारी मटरियाँ अब डीप फ्राई हो गई हैं। देखिए कलर बहुत सुंदर आया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह हम सारी मटरियों को डीप फ्राई करेंगे। ये हमारी सारी मटरी होकर तैयार हो गई है। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो आपको तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।